ज़ीशान सिद्दीकी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, बोले कांग्रेस में कई मुस्लिम विरोधी, वहां बहुत हद तक कम्युनलिज्म। राहुल गांधी से मिलने की 100 बार कोशिश की लेकिन उनके आसपास मौजूद लोगों ने मिलने नहीं दिया। कांग्रेस छोड़ने पर ज़ीशान सिद्दीकी का बयान, बोले कांग्रेस में मेरे हक के लिए कोई नहीं लड़ा, 2.5 साल पहले ही सीट देने से मना किया, जो मेरे साथ हुआ उसके चलते ही पापा ने कांग्रेस छोड़ी, मेरे साथ जो हुआ उसकी भरपाई नहीं हो सकती, पिता की अधूरी लड़ाई अब मैं लड़ूंगा, इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में एनसीपी अजीत गुट के नेता ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा। ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा, मुझे और मेरे पिता को कोई धमकी नहीं मिली थी, हमने सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी, शूटर मुझे मारना चाहते थे इसलिए मेरे ऑफिस आए, जाते जाते भी पापा मुझे बचा कर गए। महाराष्ट्र में नामांकन खत्म होने के बावजूद महायुति और महाविकास अघाड़ी में नहीं सुलझा झगड़ा। एमवीए की 10 सीटों पर एक से ज्यादा उम्मीदवार, महायुति की भी 3 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने। मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति की 2 पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। एनसीपी अजीत पवार गुट ने नवाब मलिक को टिकट दिया, शिवसेना शिंदे ने सुरेश पाटिल को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा चुनाव पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग ने कड़ा जवाब दिया, कांग्रेस को लिखे 1600 पन्ने के लेटर में तमाम आरोपों को खारिज किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दी चेतावनी, कहा बेबुनियाद आरोप और बयानबाजी से अशांति और अराजकता का हो सकता है माहौल। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा, मजहब से जोड़कर नहीं इसे देखना चाहिए। इंद्रेश कुमार बोले, देश की एकता को लेकर यह बयान दिया गया, 1947 के बंटवारे से देश को सुकून नहीं मिला, अगर बापू होते तो उनकी आंखें छलक उठती। टिहरी के कीर्ति नगर में सलमान नाम के युवक पर स्थानीय नाबालिग को भगाने का आरोप, सलमान पर नाबालिग के धर्मांतरण कराने का भी आरोप। नाराज हिंदू संगठनों ने कीर्ति नगर बाजार में दुकान में तोड़फोड़ कर प्रदर्शन किया, आरोपी सलमान के खिलाफ धर्मांतरण सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा ने पटाखों पर बैन की मांग की, कहा दिवाली पर आतिशबाजी से प्रदूषण। तौकीर रजा ने यह कहा कि दिवाली पर पटाखे चलाने से पैसे की बर्बादी होती है, इससे समाज का कोई भला नहीं होता, इस पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान पर बाबा बागेश्वर का पलटवार, पटाखे पर बैन की मांग को सनातन के खिलाफ षड्यंत्र बताया, कहा न्यू ईयर पर आतिशबाजी पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा, बकरी ईद में कुर्बानी पर बैन क्यों नहीं लगता, बकरे की कुर्बानी से समाज का भला नहीं। महाराष्ट्र के नवी मुंबई लाइट विवाद में FIR दर्ज, महिलाओं से बदसलूकी धमकी पर FIR, सोसाइटी में दिवाली की लाइट को लेकर विवाद हुआ था। बकरीद के वक्त सोसाइटी में हिंदुओं ने बकरा काटने से मना किया था, अब दिवाली के समय एक खास समुदाय के लोगों ने सोसाइटी कैंपस में लाइट लगाने पर हिंदुओं को रोका। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव, अयोध्या के घाटों पर आज 28 लाख दीपक प्रज्वलित होंगे, राम की पैड़ी पर 25 लाख दिए जगमग होंगे। अयोध्या में दीपोत्सव में हिस्सा लेने कई अनोखी झांकियां, भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली झांकियां भी शामिल हुई। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पारंपरिक लोक नृत्य लोक कलाकार करते नजर आए, सरयू नदी के घाट पर भव्य दीपोत्सव के बनेंगे ये सभी साक्षी। पुष्पक विमान को भी रंग रोगन कर तैयार किया गया, लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से ही अयोध्या आए थे श्री राम और माता सीता, स्वागत में अयोध्या में जलाए गए थे घी के दिए, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है अयोध्या, शहर की प्रमुख जगहों को लाइटों से सजाया गया, लेजर शो का भी किया जा रहा है आयोजन। अयोध्या की दिवाली पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा ये दीपोत्सव ऐतिहासिक, श्री राम लल्ला 500 साल के इंतजार के बाद अपने धाम में विराजमान। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, इस बार का दीपोत्सव अद्भुत होगा, 25 लाख से ज्यादा दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अयोध्या पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा के आगमन का निरीक्षण किया। दिवाली पर फूलों से सजा केदारनाथ धाम, 3 नवम्बर को 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विदेश में भी दिवाली की धूम, दिवाली के कारण न्यूयॉर्क के स्कूलों में छुट्टी, इतिहास में पहली बार दिवाली पर बंद रहेंगे स्कूल। न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर की गई खास लाइटिंग, दिवाली से पहले रंग बिरंगी रोशनी से किया गया जगमग। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दिवाली मनाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के साथ हुए रवाना। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी, सशस्त्र बलों के कर्मियों से मुलाकात के लिए उत्सुक हूँ, मेजर रालिंग नाओ बॉब खाथिंग को समर्पित एक संग्रहालय का भी उद्घाटन होगा। LAC पर आज भारत चीन के मिलिट्री कमांडर्स की मुलाकात, देपसांग डेमचोक में दोनों मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग होगी। भारत चीन बॉर्डर पर कल से शुरू होगी पेट्रोलिंग, अभी एक राउंड की डिसएंगेजमेंट बाकी, मिलिट्री कमांडर्स आगे की रणनीति पर करेंगे बातचीत।
पीएम मोदी का आज से गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया जाएंगे, 280 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। दिवाली के मौके पर पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलर्स का कमीशन बढ़ाया। खुदरा पेट्रोल और डीजल की कीमत में नहीं होगा कोई बदलाव। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पेट्रोलियम कंपनियों के कदम का स्वागत किया, लिखा 7 साल की डिमांड पूरी, उपभोक्ता को मिलेगी बेहतर सेवा और पेट्रोल डीजल के दाम में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन खत्म, भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद। सेना ने दी जानकारी, ऑपरेशन में ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हुआ इस्तेमाल, घने जंगल और ढलाव वाले इलाके में आतंकवादियों तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स का हुआ इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी हमले पर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एनकाउंटर होते रहते हैं, नई बात नहीं है, आतंकी आते रहेंगे, हम मरते रहेंगे। दिल्ली में प्रदूषण के चलते AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, आनंद विहार इलाके में स्मॉग की परत नजर आई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में धुंध की परत, बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के कई हिस्सों में 300 के पार AQI, ITO में सफेद धुंध के साथ बहुत खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाकों में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी, अक्षरधाम मंदिर पर भी धुंध की परत छाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने में प्रशासन जुटा, मानसिंह रोड पर PWD ने पानी का छिड़काव किया। दिल्ली में यमुना में खत्म नहीं हो रही जहरीली झाग की परेशानी, 5 दिन बाद शुरू हो जाएगा छठ का महापर्व। मुंबई में बांद्रा रिक्लेमेशन में धुंध की सफेद चादर नजर आई, इलाके में मध्यम श्रेणी में वायु की गुणवत्ता। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बड़े गैंग का पर्दाफाश किया, मोबाइल टावर से रिमोट रेडियो यूनिट चुराकर विदेश भेजने वाला गैंग पकड़ा गया। अब तक 100 करोड़ से ज्यादा का माल बाहर बेच चुका है, 250 मामलों का हुआ खुलासा। हांगकांग और दूसरे देशों में भेज रहे थे रिमोट रेडियो यूनिट। नोएडा के सेक्टर 74 में निर्माणाधीन लोटस बैंक्वेट हॉल में आग लगी, दमकल की 15 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में परमिंदर नाम के इलेक्ट्रीशियन की मौत। राजस्थान के पाली में छगन मगन फैक्ट्री पर चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम की रेड, फंगस लगा 5,000 किलो अचार जब्त, पहले भी पकड़ा गया था 20,000 किलो फंगस लगा अचार।